देखिए, हेलो टेक लवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कैमरा वाले फोन के बारे में, जिसे लॉन्च किया है सैमसंग ने और नाम दिया है सैमसंग A9 2018 एडिशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो कैमरा के बारे में डिटेल में बताया इसीलिए। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। दोस्तों सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वालिटी का ये डिस्प्ले होता है दोस्तों, सभी को पता है। एंड इसका स्क्रीन साइज जो मिलेगा दोस्तों 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज है, और इसमें आपको रेशियो मिलेगा 18:5:9 का, ऑलमोस्ट 19:9 मान सकते हैं दोस्तों। एंड पिक्सल पर इंच है दोस्तों 392 का, तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड सुपर एमोलेड है यार, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है डिस्प्ले में। और दोस्तों बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिलने वाला आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 8.0 ओरियो, 8.1 नहीं है बट आ जाना चाहिए अपडेट। चिपसेट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन का 660 यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि काम करता है दोस्तों 14 नैनोमीटर्स पे। एंड इसमें आपको जीपीयू देखने को मिलेगा दोस्तों एड्रीनो का 512, और सीपीयू है दोस्तों ऑक्टा कोर। तो बनाता है आपको इस फोन को ये एक पावरफुल चिपसेट वाला फोन, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से गेमिंग वगैरह कर सकते हैं बिना किसी हीटिंग इशू के। दोस्तों आप बात करते हैं इसमें रैम और स्लॉट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मेमोरी कार्ड स्लॉट एक्सपैंड करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर देखने को लग रही है, 512 GB तक। एंड 128 GB के वेरिएंट में ये फोन आएगा 6 और 8 GB के रैम के साथ में, जो बहुत अच्छा है दोस्तों। और सैमसंग ने जो ये डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देने का काम किया दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। दोस्तों बात करते हैं हाइलाइटिंग पॉइंट इसके कैमरा के बारे में। तो चार कैमरे है दोस्तों, 24 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। और 24 मेगापिक्सल वाला जो है दोस्तों वो है f1.7 के अपर्चर के साथ में, जो कि काम करेगा दोस्तों बेसिकली जैसे नॉर्मल कैमरा काम करते हैं। एंड 8 मेगापिक्सल वाला जो दोस्तों वो काम करेगा एज ए वाइड एंगल। एंड 10 मेगापिक्सल वाला जो है दोस्तों वो काम करेगा टेलीफोटो लेंस के जैसा, मतलब 2x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिलता है। एंड 5 मेगापिक्सल वाला है तो वही अपना वो जैसे आता है डेप्थ सेंसर, उसी तरह काम करने वाला है, अपर्चर 2.2 का है। एंड दोस्तों फीचर्स कुछ और बोले दोस्तों इसमें, तो LED फ्लैश, पैनोरामा, HDR मोड। एंड दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 4K वीडियो का सपोर्ट, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है दोस्तों इसमें, तो ये कैमरा सेंट्रिक फोन की तरह निकलता है। और दोस्तों बात करूँ तो चार कैमरे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर फोटो ले सकते हैं, आपको जूम करना है वो भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड ब्लर इफेक्ट बहुत आएंगे अच्छे, वाइड एंगल फोटो ले सकते हैं आप इस कैमरा से। और दोस्तों सेल्फी कैमरा पे भी सैमसंग ने ध्यान दिया है, 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, जिसका अपर्चर दोस्तों f2.0 का, HDR मोड इसमें मिलता है, पैनोरामा भी होना चाहिए दोस्तों। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें फुल HD कर सकते हैं एट 30 FPS पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। 4K रिकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाया गया, हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में इसमें सैमसंग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यार यहाँ पर देख सकते हैं अब सैमसंग वापस आ गया है अपने सभी अच्छी चीज़ों को करने के लिए, और जिस तरीके से हम लोगों ने उसे ब्लेम किया, देन उस जिस तरह से वो अभी उड़ कर वापस आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके सैमसंग की वापसी को। एंड दोस्तों अभी आप बात करते हैं टाइप सी कन्वर्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे वेंडर्स अभी दे रहे हैं बट कुछ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ सैमसंग ने की है। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार दोस्तों रियर माउंटेड है, A7 में आपको मिलता था साइड माउंटेड, जो कि मुझे ठीक पोजिशन नहीं लग रही थी, बट यहाँ पर इसने रियर माउंटेड किया है। नोकिया ने कहते रह गया मैं 5 कैमरे लाऊंगा, और यहाँ पर सैमसंग ने करके दिखा दिया दोस्तों, बस ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एंड बैटरी यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी यहाँ पर काम किया गया है, 3800 mAh की बैटरी है, एक ह्यूज बैटरी सेटअप यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो कलर्स है दोस्तों बबल गम पिंक एंड लेमोनेड ब्लू और एक कैवियर ब्लैक के नाम से कलर से लॉन्च किया गया है दोस्तों, कलर्स में भी आपको आगे दिखा दूंगा दोस्तों। बात कर लेते बैटरी वगैरह, तो बैटरी भी बहुत सही यहाँ पर प्लेस की गई है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा सैमसंग के इस फोन को देख करके। और ये है इस फोन के तीनों कलर्स, जो पिंक वाला वो बबल गम ब्लू पिंक कहता है इस न्यू कलर को सैमसंग। तो बताइएगा दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा, और आपको चार कैमरे वाले फ़ोन या फिर 5 कैमरे वाले फ़ोन अच्छे लगते हैं, या फिर वही सिंगल कैमरा या फिर डबल कैमरा अच्छा लगता है। मुझे तो ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और बताइएगा दोस्तों इसमें आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कैमरा या फिर कुछ और। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था, मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।